रुक जा, रुक रुक। अब इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो डर मेरे मन से अभी भी निकल नहीं पा रहा। तो भाई अभी सीन ऐसा है ना, H2 को हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, इसमें आ रही है शीशों की दिक्कत, और हम इंडियन लेकर जा रहे हैं। कि कुछ टाइम पहले तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैं उनको बताता हूं ना, यही बाइक से हुआ था, फिर से लेकर वहीं जा रहा हूं जहां एक्सीडेंट हुआ था। बंदे हैरान होते हैं। ये बताओ, डुकाटी लाती तो मजा आता या इस पे मजा आ रहा है? इस पे मजा आ रहा है। बाइक की आवाज सुन के सबकी मुंडी यहां पर। लो भाई, हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म। ये चक्कर क्या हुआ समझ नहीं आया यार। और पहले वाले होटल में आप थे ना, जहाँ पर डिस्कशन चल रहा, कैसे बात कर रहा था वो? बहुत बदतमीजी से। शौकीन भाई क्या सीन है यार? सामान निकल गया मेरा। ऐसे रेडी? बस हो गया 2 मिनट। मैं बताऊँ रेडी कैसे कहते हैं? भाई कितने बजे निकलना था आप बताओ, सच बताओ। 7 बजे निकलना था, खन्ना 7 बजे फोन करके कहता है कि भैया मैं नेपाल पहुंच गया, तब आओगे? हाँ बताओ। भाई ये देखो, इसको कहते भाई तैयार। ये देखो, राइडिंग शूज, राइडिंग पैंट, बैग भी बांधा हुआ, शीशा कितना गंदा हो रहा है यार, पूरा तैयार हूँ। ये अभी ब्रश कर रहा है। खन्ना कर क्या रहा था यार इतनी देर से? कैमरा बताऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से बीरगंज के लिए। अभी हम है लखनऊ, यहाँ से 466 किलोमीटर है। डिसाइड हुआ था सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, और खन्ना और शुकी ने ऐसे घूम रहे हैं। कसम से यार, कुछ तो शर्म कर लो यार, ऐसे कैसे राइड करोगे यार तुम? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का राइडर, कहाँ गया? उसको जगाओ। सो गया क्या? मिट्टी तो नहीं हो गया पूरा का पूरा? ये देखो भाई जी, ये देखो क्या हो रहा है भाई। ये यार, ये तुम्हारा रूम तो सही है यार, बड़ी सही रोशनी आ रही है यहाँ तो, एकदम बढ़िया व्लॉग बनेगा। फिर से कर दूं क्या? गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। क्या सही रोशनी आ रही है, रोशनी छोड़ो, लेकिन ये देख कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है साले तू? है भाग रहा था पीछे से। हो जा यार रेडी। यार क्या कर रहा है यार वासु? हो गया मैं तो हमारा सामान वगैरह सारा यहाँ पर आ चुका है। बाइक तो वैसे ही रेडी थी, सामान अभी गाड़ी में डाल देंगे, सब भाई लोग भी रेडी हैं। सच बता रहा हूं भाई, जब भी हम राइड करते हैं ना, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो, सोने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। 10 घंटे तो भूल जाओ, 5-6 घंटे भी मिल जाए ना बहुत होता है। रात को 1 बजे वीडियो एडिट करके सोया, सुबह 7 बजे फिर से उठ गया था। चीज आपको और बताओ, हमने अपनी बाइक में ना एक काम और करवाया। नीतीश भाई को मैंने बोला था यार, इसकी ना सीट बहुत ज्यादा दर्द करती है बम में, तो ये देख रहे हो सीट रातों रात चेंज हो गई है। एक काम अभी और होना, जिसका हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही निकलेंगे। इसमें मेरे को साइड मिरर चाहिए। अभी बहुत सारे बंदे बोल रहे होंगे कि भाई साइड मिरर के बिना बाइक चला रहे। देखो यार, H2R में साइड मिरर नहीं आते, H2R में विंग्स ही आते हैं। साइड मिरर का जुगाड़ इसमें करना पड़ता है। देख रहे कामयाब होगा नहीं होगा। ये आप सारा सामान भी सेट हो गया, और ये देखो शहनशाह की एंट्री हो रही है। शहनशाह की भाई, कसम से शहनशाह वाली बाइक लगती है। शहनशाह वाली एक बाइक तो ऐसी रखूंगा तो गली मोहल्ले में लेके घूमूंगा छोले भटूरे लेने के लिए। भाई लो, इसके अंदर आया हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट। क्या बात है, कामयाब होंगे लेकिन ये बताओ? बिल्कुल कामयाब होंगे भाई। वाइब्रेट तो नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं, ये तो खाला है। एक्चुअली कल ना भाई ने बाइक चलाई थी, वो कह रहे साइड से ना थोड़ी फिसल रही है। मतलब मैं तो नहीं फिसल रहा था, भाई फिसल रहे थे। जो भी सेट पूरी दुकान ही उठा लाओगे इसके अंदर? और क्या। ये रहेंगे ऐसे, बिल्कुल सही। बाइक थोड़ी और चोरी हो जाएगी। सिम अब जाके हमारा साइड मिरर वाला काम खत्म हुआ है। ब्रेकफास्ट करेंगे, सबने कर लिया, खाली मैं रह गया था नीचे शीशे लगवाना था। मुझे मैंने बस ये दिक्कत होती है, 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, क्या खाए क्या ना खाए। अरे बाप रे बाप, मूंग दाल का हलवा ये जरूर खाया जाएगा, और कुछ खाए ना खाए। भाई ये सैंडविच ना अपने को बहुत अच्छे लगे, और खाना वहाँ बोलने गया कि कम से कम 10-20 ना फॉइल पेपर में पैक कर दो। क्या कह रहे हैं, ले जाओ। इसकी आदत ऐसी है ना, कहीं भी जाता नहीं, घर जमा ही बन जाता है। भाई अब मेरे को ये भी चाहिए और दो, थैंक यू। तो भाई अभी सीन ऐसा है ना, H2 को हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, इसमें आ रही है शीशों की दिक्कत, और हम इंडियन लेकर जा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, अपने साथ H2 ही जाएगी। ये राइड इसी के लिए स्पेशल बनी है, और अभी इसका थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। साइड मिरर लग चुके हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अभी रास्ते में दिक्कत ना आए, और दिक्कत आएगी तो इनको उतार देंगे, और साथ में ना यहाँ पर ये पैड भी लग गया। तो ये देखो भाई, पहले बताते ना हम खाना उस हिसाब से खाते ना यार, जो हमने पहले इतना सारा हलवा खा लिया, पेट एकदम फुल करके यहाँ सोफे पे सारे चित पड़े हैं, राइड पे निकलना ही नहीं है इनको, मेरे को लग रहा है। खुशी में लाए आप ही बता दो। अरे रे रे रे, ऐसे प्यार देते रहो, रस्ते में जो जो मिले केक शेक लाते रहो बस। समोसे भी, ये देखो इसको समोसे भी चाहिए, शर्म नहीं आ रही है? मतलब उंगली पकड़ाओ कंधे पे बैठ जाते हो, केक खा लो फिर निकलते हैं। ये देखो भाई, कसम से तेरे को देख के मेरे को ऐसा आलस आ रहा है ना, ऐसा आलस आ रहा है। मतलब मैं सुबह उठा था ना इतने जोश में कि भाई राइड बजा रहे, इसको देख के ना आलस चढ़ता है, और मन हो रहा आज यहीं रुक जाऊं। क्या करें, रुक जाएं क्या आज? जहाँ इसको जगह मिलती है, जहाँ गाड़ी कभी गाड़ी में, कभी कहाँ टेक लगाते, कभी कभी लेटा हुआ था यहाँ पर पूरा का पूरा।
बहुत सही बहुत सही, मैं यही देख रहा था बैक होगी नहीं होगी। नहीं इसको घुमाना आसान नहीं है, आगे से निकाल लेना, आगे से जगह है, आगे से निकाल के यहाँ से सब भाई लोग रेडी, अपनी बाइक रेडी, राइडिंग गियर पूरे पहन लिए हैं, बस ग्लव्स लगाने हैं और निकल जाना है। और नितिश भाई अपने साथ आगे तक जाएंगे 5-10 किलोमीटर, उसके बाद हम निकल जाएंगे। चलो बाय बाय। अब ये सही है ना, कम से कम पीछे दिख तो रहा है। तो यहाँ से लेंगे हम अयोध्या वाला रास्ता, अयोध्या है 139 किलोमीटर, पहले अयोध्या आएगा, फिर गोरखपुर आएगा, फिर बीरगंज आएगा, बीरगंज के बाद आएगा रक्सौल बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे नेपाल में। भाई कसम से क्या ये बाइक लग रही है, एक नंबर। चलो भाई बाय बाय, फिर मिलते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद बारिश शुरू होने वाली है, हमारे रेनसूट वगैरह ना टॉप बॉक्स में ही है, जहाँ भी शुरू होगी फटाफट से पहन लेंगे, नहीं तो भाई रात को सारे कपड़े गीले, ग्लव्स गीले, कभी वॉशरूम में डाल रहे कभी बाहर सुखा रहे की तरह सूख जाए, अभी भी हल्के हल्के गीले हैं, चलाते चलाते सूख जाएंगे। आपको इस राइड में एक पॉजिटिव चीज और बताऊं, पिछली बार वाली वीडियो अगर आपको याद होगी, ऑब्वियस आपको याद ही होगी, जब हम दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे नेपाल राइड में ही H2 थी, हमारा ये वाला शीशा उड़ गया था, पिछली राइड में उड़ गया था, इस राइड में वापसी आ गया। तो ये पॉजिटिव है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उड़ने की जगह शीशे वापसी आ गए हैं, सोचा नहीं था लगवाएंगे लेकिन मिले तो लगवा लिए, तो पॉजिटिव जैसा फील हो रहा है मेरे को कि ये राइड बहुत अच्छी जाने वाली है। होप करते हैं आपको भी मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो यहीं पर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। मुश्किल से 25 या 30 किलोमीटर चले होंगे, बारिश ने कहर बरसा दिया है, पहन लिया जाए रेनी सूट ना, ऊपरों पे चढ़ा दिए पन्नी, अभी आपको नजर तो कुछ नहीं आएगा, बारिश हो रही है तगड़ी तेज, जहाँ बारिश रुकेगी पन्नी उतार दूंगा, नहीं तो गोप्रो खराब होने का डर है, और गोप्रो खराब तो हमारी आगे की राइड खराब, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं पाऊंगा मैं। लो भाई बारिश तो हो गई है बंद, पन्नी उतार के ना मैंने जेब में डाल ली, अगर दोबारा शुरू होगी फिर से गोप्रो पन्नी चढ़ा दूंगा। और मेरे को याद है पिछली बार भी जब हम नेपाल गए थे ना, इसी रूट से गए थे, यही रूट जाता हर बार, सारी की सारी यादें ताजा हो रही है, यहाँ रुक के खाना खाया था, यहाँ से पेट्रोल डलवाया था, वो होता है ना एक अंदर से, मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग कैसे बताऊं, एक डर होता है ना डर, मतलब अब इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो डर मेरे मन से अभी भी निकल नहीं पा रहा, मेरे को लगता है जब तक ये राइड कंप्लीट नहीं होगी ना वो निकल भी नहीं पाएगा। इस रोड से निकलता हुआ ऐसा इमोशनल सा हो रहा हूँ ना कि चीजें याद आ रही है, यहाँ से क्या था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मतलब आंखें भर आती है मेरी बार बार ना। अयोध्या रह गए 87 किलोमीटर, गोरखपुर 219 किलोमीटर, गोरखपुर पहुंचने के बाद डिसाइड करेंगे आज कहाँ रुकेंगे। करीबन करीबन हमने अपनी बाइक ना 705 किलोमीटर चला दी है, और ये ना हाईवे है, लेकिन ये हाईवे बढ़िया नहीं है, हाईवे की तरह लगता नहीं है, कोई भी बीच में साइकिल लेके रोड क्रॉस कर रहा है, कभी कोई बंदे आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, बहुत ज्यादा देख के चलानी पड़ती है यहाँ पर, और बाय चांस कोई भी बंदा आता ना बीच में, मेरी एकदम से रूह कांप जाती है, आप समझ सकते हो सारी की सारी चीजें ना एकदम से याद आ जाती है। भाई ये आ गया सामने टोल, और हम पहुंच गए अयोध्या। मेरे को याद है, मतलब सारी चीजें ना दोबारा से याद आ रही है, पिछली बार हम रात को यहाँ पर फंसे थे करीब 6-7 बजे, और मोदी जी यहाँ पर उधर नीचे उधर, अबे पीछे तो ले ले, पीछे ले ले, चिपकी हुई है। खोल इसको, खोल खोल खोल, बाइक साइड कर, पहले पहले बाइक साइड कर, बाइक साइड कर, साइड कर इसको, साइड लगा साइड, बैरिकेड यहां लगा, उतर नीचे, उतर नीचे, उतर नीचे, 12 साला, बड़ी देर से देख रहा हूँ पीछे से, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, अरे बड़ी देर से पीछा करी जा रहा है, करी जा रहा है, बाइक का टक्कर मार दी यहाँ पर, ऐसे 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 हद मचा रखी है यार, अरे हाँ तमीज से नहीं चला रहा, ढंग से चला, ढंग से काट लूंगा,
पीछे का यार मार साले के। रहने 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 बड़ी देर हो गई, देख रहा हूँ बड़ी देर हो गई, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, यहाँ पर साले ने बाइक को टच ही कर दिया। जितना कोशिश कर रहा हूँ धीरे चलाऊ धीरे चलाऊ, मेरी उसको स्टूगो नहीं डैमेज नहीं हुई। और पहले बताओ ये बाइक का रास्ता है, तू यहाँ कहाँ गुजरा भाई गाड़ी लेके, पूरे रास्ते ठहर और मुझे कह रहा है साइड हो। मैंने आगे बाइक लगाई ना, मुझे ऐसे कह रहा साइड हो, उधर नीचे उधर, अबे पीछे तो ले ले। हाँ ये तो चला जाएगा, उससे चला जाएगा भाई, ज्यादा अंदर आता ये टूट जाता। तुम्हारे भी पीछे तो पड़ गया था ये, तभी तो रखा हुआ था इसको आगे, निकला रहा तभी तो सेंटर में चला मुड़ गया ना, उसको पता ना उसकी गलती है, जब उसकी गलती है तो मुड़ेगा ही, उतर के नहीं रहता नीचे। पत्थर नहीं पड़ा था कैसा, ये पत्थर ढूंढने जा रहा था। अरे हम खुद धीरे धीरे चला रहे हैं कि आराम आराम से पहुंच जाए, ये और ऐसा नहीं आगे निकलने के बाद फिर ब्रेक मार के फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे। मैं अभी व्लॉग में कह रहा हूँ इतना पॉजिटिव होके जा रहे हैं हम कि मजा आ रहा है, आराम से जा रहे हैं, शीशे भी लग गए। हाँ चलो चलो, ये देखो मासूम भाई अब आ रहे हैं थैली में ड्रिंक डाल के, आगे लगाते हैं आगे कहीं पीते हैं, 20-30 किलोमीटर और आगे निकाल लेते हैं, 20-30 किलोमीटर और आगे निकाल के हवा भी ले लो, इसको कहीं दुकान पे बैठते हैं आराम से चाय वाय भी पी लेंगे। यही फायदा होता है बड़े सारे राइडर साथ होने का ना, अगर मैं अकेला होता ना वो सच्ची में गाड़ी मेरे ऊपर से निकाल के ले जाता। सुपर बाइक पे राइड करने का ना यही घाटा होता है, कुछ गाड़ी वाले ना देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अंदर अंदर ऐसे ऐसे घुसाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से घुसेंगे वहाँ से घुसेंगे, कभी कहाँ से कभी कहाँ से, और ये पिछले 50 किलोमीटर से ऐसे कर रहा था ये गाड़ी वाला। चलो भाई चेयर्स है, और जैसी पंगा हुआ ना ये एनर्जी ड्रिंक खरीदने चलेगा, इनको पता पंगा तो सॉल्व हो जाए ना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपने तो देखा ही होगा व्लॉग में, मैं बता ही रहा था कि जब भी यहाँ आता हूँ ना यहाँ अटकते अटकते, पिछली बार मोदी जी आए थे रिबन काटने के लिए, एक्चुअली क्या अयोध्या राम जी की नगरी है, तो राम जी कहते जब भी यहाँ पर आओ आराम से रुक के निकलो, वो चाहते थे हम यहाँ रुके चाय पकौड़ा खाएं, अब चाय मंगाइए पकौड़ा मंगाए, रोड पर अक्सर ऐसा होता रहता, तो आप भी मत घबराना हम भी नहीं घबरा रहे, बस थोड़ा ये गाड़ी वालों के साथ ना हो जाता है, जब सुपर बाइक चल रही होती है ना भाई गाड़ी वाले ऐसा पीछा करते हैं आप मानोगे नहीं, कैसा पीछा करते हैं ये बताएंगे। तो गाड़ी में थे ना, बिल्कुल गाड़ी में था, पूरे रास्ते मैंने नाना करते हुए 10-12 गाड़ियां ब्लॉक करी। हाँ ये पीछे पीछे गाड़ियां ब्लॉक कर रहे थे, मैं लास्ट में था बिल्कुल, मैं धीरे धीरे आ रहा था, ये गाड़ियां ब्लॉक कर रहे, कोई भी आगे ना जा पाए, और कोई भी आके कोई ऐसे 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 ये फिर बीच में आते, और इसने तो जान खाली 50 किलोमीटर से, इसने भी और एक वो वरना वाला भाई बीआर वाला, वो तो रुक ही नहीं रहा था, जा मतलब इतने से भी डिस्टेंस मिल रहा था ना बिल्कुल, वो साइड से निकाल रहा था। ओ भाई गिराओ मत अपनी चाय समझो, लो भाई कुल्लड़ में आ गई चाय, ये आ गए हमारे पकोड़े। बिल्कुल सही भाई कह रहे, कुछ टाइम पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था ना इसी बाइक से हुआ था। हाँ जी देखा था, अभी बंदे मिलते हैं ना तो मेरे को बोलते कुछ टाइम पहले तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, जो मतलब रेगुलर व्लॉग नहीं देखते जिन्होंने खाली एक्सीडेंट वाला देखा था कि कुछ टाइम पहले तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैं उनको बताता हूँ ना यही बाइक से हुआ था, फिर से लेकर वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। बंदे हैरान होते हैं, हैरान इसलिए होते कि भाई इसके लिए हिम्मत चाहिए कि जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ और जहाँ वो वहीं जा रहा फिर से 8 महीने बाद, फिर नेपाल जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई फिर से चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, और बाबा जी से प्रे करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छे से हो, रास्ते में ना कोई लड़ाई हो ना कोई झगड़ा हो, आराम से जाए आराम से आए। लेकिन हमारी गलती सच में नहीं थी, आपने देखा ना पूरा सिनेरियो, बाय चांस की बात है मेरा कैमरा ऑन था, और मेरे को ना कभी भी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन जब हद पार हो जाती है ना, अब 50 किलोमीटर तक कोई आपका पीछा कर रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो गुस्सा तो आएगा यार। ये बताओ डुकाटी लाती तो मजा आता है या इसमें मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। सही डिसीजन था ना, मेरे मन में था कि ये बाइक साथ में आए, और भगवान ने अपने आप ही कुछ करामात रच दी, डुकाटी का फैन खराब हो गया, घर छोड़ा है, अभी सही है लेकिन घर छोड़ा है। तो रास्ते में देखे हमारे सब्सक्राइबर कैसे हो, कितनी देर से खड़े हो यहाँ? मैं सुबह एक बार आया पापा के साथ कार से, हाँ तब
कैसे अंकल जी, फादर हैं आपके? अरे अरे बड़ा भाई के, अरे बड़ा भाई के आशीर्वाद दो हमें। अरे अरे लो भाई, ये एक्चुअल में हम अयोध्या पहुंचे हैं। पिछली बार भी दिखाया था ना मैंने, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पेड़ बीच में, सिर्फ ये अयोध्या के अंदर अंदर लगाए हुए हैं। बाइक की आवाज सुन के सबकी मुंडी यहाँ पर। खुश होते हैं लोग ना बाइक को देख के, बाइक की साउंड सुन के, और उनके चेहरे में मुस्कान आती है ना, अपने चेहरे पे वैसी मुस्कान आ जाती है। अपने को ना सारा रास्ता ध्यान आ रहा है। अभी ये देखो, ये जो पुल आ रहा है ना, यहाँ से नीचे देखना, नजारा देख के आप लोग खुश हो जाओगे। आप लोग भाई मजा आ गया। ओए जहाँ तक नजर जा रही है पानी पानी। तो यहाँ रुके एक पिक्चर क्लिक कराने के लिए, और भाई बाइक को देख के कुछ कह रहे हैं क्या? ये टायर इसका पूरा ट्रैक्टर का लगा। हाँ, कह रहे पीछे वाला टायर ट्रैक्टर जैसा है। सही है, यहाँ पर एक दासू सी फोटो आएगी, जय हनुमान। कहीं से भी बंदे निकल के आ जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, मतलब तुम यहाँ पहुंचे हो एकदम से बंदा यहाँ से भागता हुआ आ जाएगा। वो देखो ये बाइक निकली एकदम से, कहाँ से निकली, पटरी काट रखी है, बीच में से निकल गए भाई साहब। बाइक देख रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा उनको, उसको बोलो पेट्रोल खत्म मेरी बाइक का, आगे जाके बोलो उनको। लो भाई हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म, ये चक्कर क्या हुआ समझ नहीं आया यार। लखनऊ में मैंने पेट्रोल डलवाया था और कम से कम 200 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, क्योंकि स्पीड स्लो है तो अच्छी एवरेज देनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे ख़त्म हो गया इतनी स्पीड में। आज ही सारे कांड होने हैं क्या? एक बार और सेल्फ मार के देख लेते हैं। नहीं ख़त्म, ज़्यादा सेल्फी मारते फ्यूल इंजेक्टर चले जाएंगे इसके। तो बुलाया अभी मैंने, फ़ोन कर दिया, आगे आएंगे अब लात लगाएंगे। वैसे यहाँ हर 5-10 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है। तो अक्षित भाई आ गए अपनी रुद्रा लेके, लगा लोगे लात? चलो डन। अब सच में ऐसा लग रहा है कि ऐसे बाइक में एग्जॉस्ट उतरवा दिया है। बाइक तो चल रही है लेकिन एग्जॉस्ट ही नहीं है, बिल्कुल शांति वाली फील। मज़ा आ भी रहा है लेकिन नहीं भी आ रहा, क्योंकि बिना एग्जॉस्ट के बाइक तो घूंगी है। और ये रहा पेट्रोल पंप 200 मीटर पर ही था, थोड़ा और आ गया था ना पेट्रोल डल जाता, लेकिन चली नहीं, वहीं ख़त्म हो गई। बस पहुँच जाएगी अब, क्या बात है, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? ओके लो भाई, इन्होंने तो टेन बूस्टर की जगह भी नहीं छोड़ी, चुन्नी सी है। ₹10 ये सबसे बढ़िया बंदे भाई, सारी चीजें ₹10 में, बैग भी ₹10 में रखते हैं। अभी लात लगाई है, उसके भी 10 दिन है क्या? चलो ठीक है, इसे कहते भाई ओरिजिनल राइड। जैसा जैसा जो बरसात हो रहा है आपको वो दिखा रहे हैं, और तभी तो आपको ये मजा आता है। घर से निकलते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, और जो होता है सब वीडियो में डाल देते हैं। चलो भाई। ओ भाई पानी की पेटियां जा रही है, 2 दिन पेटी निकाल के गाड़ी में रख ले क्या? प्यास तो हमें वैसे ही बहुत लगती है। ओ भाई साहब कैसे चला के आए ये? कैसे हो? अरे साइड पे लगा दे भाई, स्कूटी वाले भाई। कैसे हो? सब बढ़िया भाई, पीछे मत आना, तुम्हें भी लगेगी हमें भी लगेगी। और पीछे आ रहे हो तो धीरे आना, ठीक है ना? अरे अभी मना किया था इन्हें भाई, ये देखो पीछे देख के चला रहा, आगे देख आगे। भाई साहब ये खतरनाक हो जाता है, मत आओ लग जाएगी भाई। पता क्या, इनकी भी गलती नहीं होती, ये प्यार होता है यार। मतलब जो लोग टीवी पे मेरे को देखते एकदम से सामने आ जाते हैं ना, ऊपर से H2 भी साथ में आती है, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो चलो प्यार करने वाले हैं, और जो बंदे जानते ही नहीं है, जैसे वो गाड़ी वाला बाइक को देख के ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें इससे आगे निकलना क्या चीज़ है। ये बार बार निकलते हैं आते हैं। ये देखो मेरे को लग रहा है एक बार रोक ही लेते हैं ना, इनको समझा देते हैं रोक के। क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहे? अरे पैर मत छुआ करो। अरे 4-5 साल से मैं आपका, अरे 4-5 साल से मैं बहुत बार ट्राई किया, तब की बार भी 4-5 साल से रोड पे खड़े हो? अच्छा वैसे वेट कर रहे हो? अरे डरा दिया आपने तो, मैंने बोला 4-5 साल से अभी तू अभी तो मिला तेरे को, मैंने बोला पीछा मत करियो, रुक जा फोटो तो हो गई, फिर तू आई जा रहा गिर जाओगे यार। पता क्या, ये क्या चीज है भाई, लगता है मेरे घर की पाइपलाइन है। ओ भैया गलत आ गए, यू टर्न मार के निकल जाओ दिल्ली, मेरे घर की पाइपलाइन यहाँ के कर रही है। ये आ गया सामने बस्ती का टोल, और इस टोल को क्रॉस करके हमें मिलेंगे मासूम भाई। मासूम भाई खाली हमें टोल पे मिलते हैं,
वो इतनी स्पीड से जाते कहते आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हुए? आधा घंटा हो गया। मैं वही बता था मासूम भाई खाली टोल टोल पे नजर आते, अब सीधा नेपाल मिलोगे ना? हाँ? अरे सीधा सीधा रास्ता है, सारे बोर्ड बोर्ड लगे हुए हैं, इनको गूगल मैप खोल के दे दो, ये नेपाल ही मिलेंगे सीधा। क्या सही लग रहा है ना, देखो भाई बीच बीच में बढ़िया मौसम भी है और बीच बीच में बेकार भी है, धूप भी हो जाती है, कहीं बारिश भी हो जाती है। तो अभी हम लगाएंगे गूगल मैप, क्योंकि गोरखपुर हम पहुँच गए, 10 किलोमीटर है अभी यहाँ से, रास्ता शायद अलग हो सकता है, और साथ में पियेंगे नारियल पानी। ये भाई लोग थोड़े दूर से पीछा कर रहे थे, कहाँ से? अच्छा अयोध्या से, अच्छा इधर से ही देखा होगा ना, कहाँ के हो? ओ अब तो घर जा रहे होगे वापसी। चलो बढ़िया, अच्छा लगा मिलके, नारियल पानी पी लो। चलो ओके बाय बाय। बाइक रुकती नहीं है, ऐसे लेट जाता जैसे पता नहीं सारी बाइकें इसने चलाई हैं। जैसे हमने तो कुछ चलाया नहीं, पांचों की पांचों बाइकें यही चला के ला रहा है। सुपर बाइक चलाता है? हाँ हम तो साइकिल लेकर आए हैं। चलो भाई चेयर, अबे ओ छिलवा तो ले इसको, घर लेके जाएगा क्या? जेब में डाल ले, जेब में डाल ले। तुम भाई और अभी हमने क्या प्लान करा है ना, आगे का रूट हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हमने बड़ा ढूंढ डांड के कि अंधेरे में बाइक भी ना चलानी पड़े और बढ़िया होटल ही मिल जाए, तो हमने डिसाइड करा हम रुकेंगे खुशीनगर। रास्ते में आता है खुशीनगर, मतलब अब जो रूट है ना शायद बिल्कुल ही अलग होगा, शायद मैंने यहाँ पर पहले बाइक चलाई नहीं होगी। खुशीनगर 58 किलोमीटर, इस रोड से पहली बार जा रहे हैं ना, ये रोड तो बहुत बढ़िया है यार। मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पर भी ऐसी रोड मिलेगी, मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पर भी ऐसी रोड मिलेगी बाइक चलाने को। एक नंबर रोड भाई, एक नंबर, क्या बढ़िया रोड है भाई, क्या ही बढ़िया रोड, आसपास का व्यू भी एक नंबर है, दूर तक खेत ही खेत। वेलकम टू हाटा, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर ना, ये सारा रूट अपना लिया, ये सारा रूट अपने लिए ना नया है। हाटा, सोचो किसी शहर का नाम है हाटा, हाटा घटा सावन की घटा, तभी तो यहाँ सावन बना हुआ है। तो भाई अपने को हाईवे हाईवे पे होटल चाहिए था और हम पहुँच चुके हैं खुशीनगर। रास्ते में ये एक होटल दिखा, एक बारी पता कर लेते रूम वूम सही है कि नहीं है। तो अभी कैसी ना यहाँ से चल रहे हैं, मतलब रूम मज़ा नहीं आया, रेट तो सही था, रूम अच्छे नहीं लगे हमें। तो आगे 2-4 किलोमीटर आगे एक बढ़िया सा होटल हो रहा है। यहाँ पर सारे होटल ही ऐसे हैं क्या? मतलब बंदों की टोन ही अलग है। तो पहला होटल हमने देखा था वो थोड़ा समझ नहीं आया, ये कोई जेपी पैलेस करके नया बना है, भाई साहब ओनर अंदर बैठे हैं। चल हम लोग आगे आगे। हाँ चलो ना, चलो चलो। तो यहाँ ओनर अंदर बैठे हैं, उनके अलग ही नखरे हैं भाई। पहले तो एक रूम में 3 बंदे नहीं सोने देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं 4 रूम ले लेंगे। कह रहे सुबह 7 बजे आपको खाली करना पड़ेगा किसी हालत में। मैंने यार पैसे दे के रह रहे हैं, ऊपर से ना डिनर है ना ब्रेकफास्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से ऑर्डर करना है। रूम भी महंगा है, मतलब होटल सही है, रूम सही है, लेकिन रूम के हिसाब से महंगा है। और उसके बाद कह रहे हैं सुबह 7 बजे आपको खाली करना ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात करने की वो होती है ना, बिल्कुल अकड़ के बात कर रहा था यहाँ का ओनर, मतलब ऐसे कि जैसे अगर यहाँ रूम नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। वो तो बाय चांस की बात है, सब्सक्राइबर थे अपने अपने साथ, उन्होंने बताया एक और होटल है यहाँ पर बढ़िया, वहाँ देख लो। होटल ओम रेजिडेंसी, होटल तो अच्छा लग रहा है। देखो बड़ी प्रॉपर्टी होने से कुछ नहीं होता, आपने चाहे 50 करोड़ का होटल बनाया हो, लेकिन एक 2 प्यार के शब्द जो होते हैं ना, वो एक इंडियन बंदा भारतीय बंदा सुनना पसंद करता है, कोई भी हो, प्यार से आप बोलो ना वही तो जान भी हाजिर है। लेकिन वही अकड़ हर किसी को नहीं समझ आती ना। तो भाई ये अपना दूसरा होटल है, रूम हमने ले लिया, सामान निकल रहा है, तब तक यहाँ सोफे पे सारे इंतजार कर रहे हैं। और ये अपने भाई जी, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। इनके यहाँ पर स्कूल भी है, किस नाम से स्कूल? अजनीता एकेडमी, देव की देवी डिग्री। अरे क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने ही हमें ये होटल बताया, और पहले वाले होटल में आप थे ना जहाँ पर डिस्कशन चल रहा था, कैसे बात कर रहा था वो? बहुत बदतमीजी से। ऐसे होता है क्या आपके यहाँ? नहीं, कुछ होते हैं, कुछ होते हैं ना, इनको भी आपने देखा ही। बेसिकली हम किसी जगह को बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन हर जगह कुछ होते हैं, हमारे दिल्ली में भी है ऐसा चलता रहता है। लेकिन ये जहाँ पर हम आए ना, क्या बढ़िया बंदे, मतलब आते ही हाथ जोड़ के स्वागत होता है ना कि हाँ आओ, वही देख के खुशी होती है। और वहाँ से महंगा रूम है, यहाँ पर वहाँ सस्ता था, यहाँ पर महंगा, डबल का फर्क है। लेकिन महंगे सस्ते की दिक्कत नहीं है, प्यार से जो 2 शब्द निकलते हैं ना उसमें दिल खुश हो जाता है। अब आप मेरे से मिलने आए, मैं बोलो भाग जो यहाँ से, आपको कैसा लगेगा? अब प्यार से बात करी, फोटो कराई, वीडियो कराई, सब कराया, आपको अच्छा लगा? यही अच्छा लगता है, चलो अच्छा लगा मिल के। तो भाई ये है हमारा छोटा सा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, वीडियो में देखने में बड़ा लग रहा होगा। और भाई उन्होंने चिप्स के पैकेट भी दिए हर रूम में, 3-3, 4-4 खाओ पियो, प्यार मिलता है, गालियां मिलती हैं। हाँ यहाँ प्यार मिला और हम प्यार से यहाँ पर आ गए। बाकी आज की वीडियो में देखो आपको भी बहुत मजा आया होगा,
सब कुछ कर लिया, बारिश में नहाए भी, सूख भी गए, लड़ाई भी हो गई, प्यार भी मिला, गुस्सा भी मिला, मतलब बहुत कुछ था आज की वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक करें, मैंने बिल्कुल मत जाना। कल हम यहाँ से निकलेंगे, बीरगंज बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बीरगंज के बाद रक्सल बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम है रक्सल। ये सारा रूट हमारे लिए नया है, और ये जो रोड मिलती रस्ते में खतरनाक मजेदार रोड। तो रक्सल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 150 किलोमीटर काठमांडू पड़ता है। मेरे को नहीं पता कैसी रोड है, सुना है अच्छी है, जैसी होगी आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके जाना। बहुत सारे बंदे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। अगर नहीं मजा आ रहा तो क्यों देख रहे हो, एक कमेंट भी चलो ठीक है कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट भी करके जाना। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।